नगर पंचायत कार्यालय बेनीपट्टी के सभागार में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में मंगलवार को क्षेत्र के विकास को लेकर बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वाइस वार्ड के पार्षद क्षेत्र में किए जाने वाले संभावित विकास कार्यों की सूची सौंप दी। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि नगर पंचायत का समग्र विकास करने के लिए सेवा की भावना से सभी वार्ड पार्षदों को कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य को तेजी से धरातल पर उतारे जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि फिलहाल 53 प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है और अनुमोदन कर दिया गया है। जिन 53 प्रस्तावों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर रोहित कुमार को प्रधान लिपिक के पद पर रखे जाने के साथ सार्वजनिक शौचालय, PCC, नाला निर्माण, संसारी पोखरा में चार दीवारी और शौचालय निर्माण समेत सभी 22 वार्डों में विकास के योजना शामिल है। मौके पर उप मुख्य पार्षद दीपशिखा कुमारी, वार्ड पार्षद रामबरन राम, योगेंद्र यादव, राजीव यादव, संजू देवी, सुनील नायक, हैना कौशल, सागर देवी, ललन शाह, कृष्णा यादव, कार्तिक झा राजा समेत अन्य वार्ड पार्षद मौजूद थे। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।